किसानों द्वारा 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। फतेहाबाद प्रशासन की बात करें तो यहां भी प्रशासन पंजाब से जिले में आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने पर जुटा है। फतेहाबाद के रतिया व जाखल क्षेत्र में पड़ने वाले बॉर्डर पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर दी गई है। जाखल में 2 दिन से रास्तों पर कंक्रीट के ब्लॉक रख दिए गए थे, तो वहीं रतिया क्षेत्र में मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर रास्ते रोक दिए गए हैं। लोग अब पंजाब आने जाने के लिए गांव के छोटे रास्तों का ही प्रयोग कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद क्षेत्र में भी हांसपुर सहित मुख्य जगहों पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। जिले भर में धारा 144 लागू है। जिले में सीआरपीएफ की 3, एसएसबी, एचएपी की 1-1 कंपनियां बुला ली गई हैं, जो नाकाबंदी वाली जगहों पर भी गश्त करने में लगी हैं। एसपी आस्था मोदी ने खुद जाखल क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया। जाखल पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदलता नजर आ रहा है। मेउंद चौकी के पास सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। सीमेंटेड कंक्रीट के ब्लॉक पहले से ही यहां रखवाए गए हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नुकीले शस्त्र भी तैयार करवाए हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। रतिया क्षेत्र में सेम नाले के पास पंजाब के रास्ते को बंद किया गया है। सेम नाले के अंदर से होकर गुजरने वाले रास्ते को लोग आवाजाही के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मणवाला के पास रतिया भुड़लाडा के मुख्य रास्ते पर नाकाबंदी की गई है, जिस कारण यहां रास्ता बंद हो गया है। अब लोग भुदड़वास महमहड़ा गांव के लिंक रास्तों से पंजाब आना जाना कर रहे हैं। उधर किसानों का साफ कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच जरूर करेंगे। किसान भी उप तहसील कार्यालय जाखल में टेंट लगाकर जुटे हुए हैं, जहां लंगर की व्यवस्था भी की जा रही है। मीडिया वालों का धन्यवाद जी, जो हमारे 4 दिनों से पिछले हमारे धरनों का कवरेज करने दिल्ली पहुंचे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप किसानों की मजदूरों की मांगों को ऊपर के लेवल तक लेके जा रहे हो। और दूसरा आपका जो सवाल है कि हमारे किसान और मजदूरों की जो बाढ़ मुआवजे को लेकर मांग है, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और 12 तारीख को किसान पंचायत बुला के यहाँ बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। उसके पहुंचने के बाद हम तहसील की तालाबंदी करेंगे और जब तक मुआवजा जारी नहीं होगा तब तक तालाबंदी रहेगी। आखिर आगे चुनाव है, जेकर चुनाव से पहले हमें मुआवजा ना मिला तो आने वाले दिनों में जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, जब वो वोट मांगने गांव में आएंगे तो उनका खुलकर विरोध किया जाएगा और गांव में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। जब तक किसानों को मुआवजा पूरी जमीन का, क्योंकि सरकार कह रही है कि प्रति किसान 5 एकड़ तक मुआवजा देंगे, लेकिन हमारी मांग ये है कि जितनी किसानों ने फसल बोई है, जितना उसमें खर्चा पानी किया है, उसका मुआवजा पूरी का पूरा का मिलना चाहिए, ना कि 5 एकड़ तक का। क्योंकि किसान कोई शर्तों पे अनाज पैदा करके सरकार को नहीं दे रहा, अपने खुला गेहूं खुला अनाज खेतों से पैदा करके जो है सरकार को देके पेट भर रहा है, देश का और अर्थव्यवस्था को चला रहा है। इसलिए जो भी मुआवजा बनता है हमारा, पूरे खेतों का, पूरे किसानों का मुआवजा लेके जहाँ से उठेंगे, जब तक मुआवजा नहीं आएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। 12 तारीख को महापंचायत को लेकर किसानों से क्या अपील रहेगी? किसानों से हमारी यही अपील है कि जाखल ब्लॉक के जितने भी किसान साथी हैं, वो महिला, मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान, भारी से भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर यहाँ पहुंचे और जो भी हमारा आगे का तालाबंदी का फैसला होगा उसको सफल बनाएं। हर गांव से किसान निकलें ताकि अपनी जो लड़ाई है उसको जीतकर यहाँ से खत्म करके अपना मुआवजा लेके जाया जा सके। 12 तारीख के महापंचायत को लेकर गांव में भी मुनादी कराई जाएगी? हाँ जी, हर गांव में मुनादी भी कराई जा रही है और हमारे जो किसान कमेटी मेंबर हैं गांवों में जाकर किसानों को मिल भी रहे हैं और लॉसमेंट का जो है ड्यूटी, जैसे सिखों की या ग्रंथियों की, उनकी ड्यूटी भी लगाई जा रही है कि सुबह शाम जो है लॉसमेंट की जाए कि 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा किसान साथी यहाँ पहुंचो। और हम आपको बताना चाहते हैं पूरी स्टेट कमेटी हमारी पगड़ी संभाल जट्टा इसमें सहूलियत करेगी। हिसार तक के किसान जहाँ आने की जो है हमें खबर मिल रही है और ब्लॉक से भी भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की जो है सूचना हमें मिलती है कि गांव में हर गांव से महिला और बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी यहां आएंगे और बढ़िया इकट्ठ करके तहसील की तालाबंदी करेंगे ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।